दो तीन चार पाँच छः। अच्छे जर्नी के लिए भगवान का आशीर्वाद बहुत जरूरी। बिना गाने के ट्रैवलिंग कैसे? चलते हैं, मैं भी आ रहा हूँ, दिखूंगा नहीं। हम सिर्फ कंफ्यूजन ये है कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आएगा कि 5 पे आएगा, 4 पे आएगा, 5 पे, 4 पे, 4 यही चालू है हमारा। हम फिलहाल अभी 5 पे खड़े हैं, 5 पे तो ट्रेन आ गया है, तो ऑब्वियसली बात है कि प्लेटफॉर्म 4 पे आएगा, और ऑब्वियस नहीं हुआ तो फिर लग जाती है। क्या बोलूँ यार, इतनी गर्दी थी ना, मतलब चढ़ाने में पसीना पसीना हो गया। मॉम मस्त गोद में सो गए यार। महारानी के जैसे सोई है अभी, आई थिंक कोई स्टॉप आने वाला है, इसका गर्दी लगने वाला है। वाह, मम का पुलाव विथ चिक्पीस, पनीर की सब्जी, भजिया, कड़ी भुड़ी निकाल के देंगे। हम लोग ट्रेन के ऊपर वाले सीट में बैठ के खा रहे हैं। डन, सब लोग सोने को आ गए और मैं खुद भी सो गया। प्रेशो क्या है, अभी मेरा नाश्ता भी हो गया, हमारे पर अभी बच रहे हैं अब 9:50 स्टेशन आ गई जयवाड़ा। एक प्लेट दीजिए और एक मिर्ची दीजिए ना, कितना है? भाई ट्रेन कम से कम 15 से 20 मिनट उतर, सब लोग उतर गए, सब लोग कुछ ना कुछ परचेस कर रहे हैं। भी ट्रेन से उतर गया, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए। 3 समोसा 30 रुपया। जैसे की बात ये कि हमारा ट्रेन अभी यहाँ से आया था, तो ऐसे आया था तो वापस रिटर्न जा रहा था। तो हम लोग उड़ीसा जाते समय कल्याण से फिर मतलब ऐसे आता है, फिर विजयवाड़ा से वापस पीछे जाता है, फिर वापस रिटर्न आता है। रहा गोदावरी बीच, जाते समय सबसे लॉन्गेस्ट बीच जाता है वो पीछे वाला आने वाला। ये रहा शिव, ये हरीश।
शिवलिंग, वन ऑफ द बिगेस्ट शिवलिंग। फाइनली टिफिन आ चुका है, ये तो घर से लाया था, पापड़ और ये कुछ सब्जी, ओपन करके दिखाता हूँ क्या क्या है। सो ये रहा पनीर की सब्जी, दाल, चावल, एक चने की सब्जी है, चावल एक्स्ट्रा दिया है, पापड़ और अचार। सो ये हमारे स्लीपर कास का खाना, 120 रुपीस का खाना मंगाया था। बेकार, एकदम बेकार, मतलब बोले ना, पनीर दिया था ये। ये पनीर तो खाने का भी मन नहीं है, खट्टा खट्टा रहता है। बाकी चावल तो पका ही नहीं है, चावल तो आधा छोड़ दिया है, चावल भी आधा ना छोड़ दिया। दाल और सब्जी बहुत अच्छे थे। विशाखापट्टनम यार, फाइनल। फाइनली पैसे दे के पानी भर लिया। ₹5 का तो सफाई करके रेटिंग मांग रहे थे यार, सफाई किए, रेटिंग मांग के निकल गए। ओके, मैच में मम्मी जीत गई, मैं जीत गई। ये जो स्टॉप गया, ये हमारा लास्ट स्टॉप है, मतलब अभी अपना सेशन आने वाला है। पहले सब सामान रेडी हो गए, सब लोग उतार रहे। सो ये मेरी मम्मी और ये रहा मैं। अगर साइड 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 मामा इंतजार करने चाहिए यार। सब ऑटो वेटो हो गए। मम्मी बहुत अच्छी थी मामू। फाइनली मैं ब्रह्मपुर स्टेशन के जस्ट बाहर हूँ, मामा भी आ चुके हैं, तो शायद मम्मी फोर व्हीलर में जाएगी और हम लोग बाइक में जाने वाले, क्योंकि सामान लगेज बहुत सारा है और रास्ते में शायद मौसी को भी पिकअप करना है। सो व्लॉग हम घर पे ख़त्म करेंगे, अभी व्लॉग में बने रहो। फाइनली मैं हमारे साथ निकल गया हूँ, मम्मी पीछे वाले फोर व्हीलर में आ रही है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय। अगले वीडियो में मिलते हैं। आने वाले जितने भी वीडियोज है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि मैं 14 साल में पहली बार इस टाइम पे, मीन्स नवंबर मंथ में मैं गांव आया हूँ, बिकॉज मैं 14 साल बाद कुछ यहाँ पे देखने वाला हूँ गाँव में, जो आपको आने वाले व्लॉग में दिखेगा। सो दैट इज़ फॉर टुडे, बाय।